एक तरफ केंद्र सरकार देश को विकास की रफ्तार के साथ आगे बढ़ा रही है, तो वहीं प्रदेश की मनोहर सरकार भी सूबे के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल वासियों को मनोहर सौगात दी। मुख्यमंत्री ने शहर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से 8 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। असंध और नीलोखेड़ी की 8 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। परियोजनाएं 1,176,95,000 रुपए की लागत से बनकर तैयार होगी। पृथ्वी तीर्थ बालू गांव में बनकर तैयार होगा। दशरथ तीर्थ ओगंद गांव में बनकर तैयार होगा। मिश्रक तीर्थ नीसिंग में बनकर तैयार होगा। धनस्तर तीर्थ बनकर असंध में तैयार होगा। अंजनी तीर्थ अंजनथली गांव में बनकर तैयार होगा। प्रकाशंत तीर्थ तनपुरी गांव में बनेगा। वेदवती तीर्थ सीतामाई गांव में बनकर तैयार होगा। व्यास तीर्थ बसथली गांव में बनकर तैयार होगा। उन्हीं के विकास के लिए उनके पास सारा सिस्टम था, बजट भी उतना ही होता था, कोई बहुत ज्यादा बजट नहीं था, लेकिन हमने धीरे धीरे जैसे जैसे कुरुक्षेत्र का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का विस्तार होने लगा, वैसे वैसे इन तीर्थों को विकास करने के लिए योजना बनाई, हर एक जिले की समिति बनाने के लिए कहा था। मैं समझता हूँ शायद बन गई होंगी, नहीं बनी हो तो जिले में कहीं 15 हैं, कहीं 12 हैं, कहीं 20 हैं, 30 हैं, जितने भी तीर्थ उस जिले में पड़ते हैं, तो कम से कम जिले की समिति हो जाए और हर गांव की जहां वो तीर्थ है 164 गाँव, वहाँ की छोटी बड़ी समिति भी अपनी बननी चाहिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र गवर्नमेंट बोर्ड या फिर अन्य संस्थाएँ उसका विकास एक बार तो करेंगी, लेकिन बाद में उनकी संभाल करना, उनके तौर पर यानी यात्री आते हैं, यहाँ वहाँ पर छोटी मोटी व्यवस्थाएं हैं, पीने का पानी है, कोई बैठने के लिए कोई शायद कोई मानो शेड बन जाए, वहाँ कोई शौचालय है, वहाँ कोई कोई सामान छोटा मोटा विकसित करना है, या सरोवर की कोई स्पोर्ट वाल करनी है, वहाँ कोई घाट बनाना है, जो भी कोई व्यवस्था करनी है वो करते करते उनकी संभाल करना भी बड़ा काम होता है। प्रदेश सरकार लगातार सूबे में विकास की गति को बढ़ावा देने में लगी हुई है, ताकि साल 2024 के चुनावों में पार्टी विकास के नाम को लेकर जनता के बीच जा सके। करनाल से सूर्य समाचार के लिए हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।